थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा में जितेंद्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने अपने दो बेटियों के साथ पंखे से लटक कर की आत्महत्या। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे शाहपुर थाने की पुलिस सहित जिले के बड़े अधिकारियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। SSP ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की विधिक कार्यवाही। जनवरी 2023 में प्रस्तावित गोरखपुर महोत्सव के आयोजन के संबंध में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में बैठक हुई। संपन्न ने कहा गोरखपुर महोत्सव में जनपद की लोक कला एवं अन्य विधाओं के कलाकारों को भी दिया जाएगा मंच। नगर निगम के दो अधिकारियों पर जनसुनवाई की घोर उपेक्षा पर 25,000 का राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने ऑन द स्पॉट लगाया जुर्माना। कहा 30 दिन के अंदर हर नागरिक को RTI के तहत सूचना प्राप्त करने का है अधिकार। गोरखपुर के लाल बॉक्सर गोविंद साहनी का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत को रजत पदक दिलाने पर गोरखपुर स्टेशन पहुंचने पर संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद सहित नागरिकों ने माल्यार्पण कर किया जोरदार स्वागत। गोविंद साहनी ने कहा अब ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है उनका अगला लक्ष्य। विदेश भेजने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी कर रुपया गबन करने वाले दो अभियुक्तों को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 कूटरचित हवाई यात्रा टिकट, 2 कूटरचित आधार कार्ड, 1 प्रिंटर, 1 CPO को किया बरामद। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। लखनऊ की अपर आयकर आयुक्त दीक्षा रस्तोगी की अध्यक्षता में जिले के अधिकारियों की बैठक हुई। सकुशल संपन्न ने कहा शैक्षणिक संस्था द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 10 की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। 25 नवंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं को फॉर्म भरना है अनिवार्य। तीसवीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 के एक तरफा फाइनल मैच मुकाबले में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने पश्चिम रेलवे को 73-37 से हराकर बनी चैंपियन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने कहा भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे रेलवे सुरक्षा बल के खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के विशेष कार्य अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा जिला कारागार का किया गया औचक निरीक्षण। मेनू के अनुसार नहीं बन रहा था बंदियों का भोजन। जेल अधीक्षक को नियमित रूप से बैरकों की साफ सफाई करवाते रहने को किया गया निर्देशित। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ई रिक्शा चलाने वाले चालकों की आंख परीक्षण एवं स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा वाहन चलाने वाले चालकों का शरीर और आंखें स्वस्थ रहेंगी तो सड़क दुर्घटना में आएगी कमी। विश्व हिंदू परिषद द्वारा हित चिंतक पखवाड़ा सदस्यता अभियान के तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में कैंप लगाकर अध्यापक एवं छात्र छात्राओं को बनाया गया विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक। विहिप के प्रांत प्रचार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों समेत कुल 449 लोग बने हित चिंतक।